रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कल से शुरू हुए इस 3 दिवसीय महोत्सव में आम की 325 से अधिक किस्मों और आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। महोत्सव में दशहरी, लंगड़ा, हापुस, केसर, नीलम, चौसा, नूरजहां, हिमसागर जैसी आम की उन्नत किस्मों के साथ ही बहुत सी देसी किस्मों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मियाँ जाकी, थाई बनाना, रेड पॉमर जैसी विदेशी किस्मों को भी प्रदर्शनी में रखा गया है। महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी और जलवायु सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में किसान आम की खेती कर रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आम महोत्सव पूरे देश भर में चलता है, तो आज जो है रायपुर में 12, 13, 14 तीन दिवसीय ये आम मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न वैरायटीज अलग अलग प्रदेशों से जो वहाँ उत्पादन होते हैं उसमें से जो चुनिंदे जो वैरायटीज हैं उनका भी प्रदर्शन यहाँ पर लगाया गया है। और इससे निश्चित ही हमारे किसानों को, प्रदेशवासियों को इसे कैसे हमारा इनकम और बढ़ सकता है उद्यानिकी के माध्यम से, फलों के खेती के माध्यम से, इस मेला के माध्यम से एक संदेश भी हम दे रहे हैं। और साथ ही साथ हर व्यक्ति अपने अपने घरों में जहाँ उनके पास थोड़ा बहुत भी अगर जगह जमीन है तो लोग उसका कम से कम सदुपयोग करते हुए एक दो पौधे जरूर लगाएं। राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ और देश के विभिन्न राज्यों से आम उत्पादक शामिल हुए हैं। इसके अतिरिक्त आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। आम जनता को मैं यही सलाह दूंगा कि आम की प्रदर्शनी, अगर आम फल में रुचि है उसके अलावा आम के जो विभिन्न उत्पाद हैं वो भी आप एक साथ देख सकते हैं। और जितने 56 व्यंजन मिलते हैं ना, वो आम के विभिन्न प्रकार के 56 व्यंजन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, उसका लाभ उठा सकते हैं। और ये प्रदर्शनी 3 दिनों के लिए चलेगी। इसके लिए महीनों से मेहनत जारी है। जब से आम का मौसम आया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम बहुत पौष्टिक फल है, आम फलों का राजा भी कहलाता है, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और आम को हम जब कच्चा आम रहता है उसके रूप में भी खाते हैं, पके आम के रूप में भी खाते हैं, इसमें बहुत स्वाद भी होता है और बहुत सारे इसके व्यंजन भी बनते हैं, जो कि आज हमें इस प्रदर्शनी में लगाए भी गए हैं और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए बहुत फायदेमंद है। और इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू और उद्यानिकी संचालक एस जगदीशन उपस्थित थे।